झांसी में विधवा महिला को देवर का सहारा मिला है। मंदिर में पुलिस की मौजूदगी में देवर भाभी की शादी हुई है। खबर झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पलरा से है, जहां एक महिला के पति की मौत हो चुकी थी, जिसका एक छोटा सा बच्चा भी है। पति की मौत होने से महिला का संसार उजड़ गया। काफी समय तक अपने मायके में रहने के बाद अचानक से वो अपने ससुराल लौट आई और इसी बीच देवर से शादी की बात चलने लगी, लेकिन देवर पक्ष मानने को तैयार नहीं हो रहा था। मामले ने तूल पकड़ा और उल्दन थाने जा पहुंचा, जहां घंटों पंचायत चली, जिसके बाद थानाध्यक्ष उल्दन मुकेश सिंह चौहान ने दोनों पक्षों के बीच वार्ता कराई। थाना परिसर में ही मौजूद मंदिर में विधि विधान से देवर भाभी की शादी संपन्न करा दी। रिश्ते में देवर भाभी अब जीवन साथी बन गए हैं और अब दोनों पति पत्नी की तरह रिश्ता निभाएंगे। इस बीच पति बने देवर ने कहा कि मैं अब अपनी भाभी को पत्नी की तरह और भतीजे को बेटे की तरह दोनों का ख्याल रखूंगा। आपकी जिम्मेदारी है, वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा देना। पहले वैसे बनेगा टेम्परेरी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करा देना। पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है।